जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सारे मिलके जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती असी पुराने ऐदनामे दे विच्चों चार महान व्यक्तियों के बारे सुनिया सी कि किस तरह प्रभु ने खुदा ने उन्हां दी आवाज़ नूं सुनिया उन्हां दियां बेनतियां नूं सुनिया। ते हुण असी एक बारी फिर पुराने ऐदनामे दे विच्चों ही प्रभु दे वचन नूं एक बारी फिर सुनांगे कि किस तरह खुदा मौका दिंदा है, खुदा दुआवां नूं सुनदा है अते ओह चाहुंदा है कि हर व्यक्ति अपने जीवन नूं बदल के उहदे दस्से होए रस्ते ते चले। असीं सुणांगे अब्राहम दा तरला, किस तरह अब्राहम खुदा दा चुनिया होया दास
खुदा दे अगे सदोम अते गमोरा इन्हां दो शहरां दे लोकां दे लई बेनती करदा है, क्योंकि खुदा ने फैसला किया कि वह सदोम अते गमोरा नूं उन्हां दी पापी जिंदगी दे कारण, उन्हां दे माड़े जीवन दे कारण, पाप दे कारण खुदा तो उहदे हुक्मां तो चलण तो इनकार कर दिता। इस करके खुदा ने उन्हां नूं खत्म करन दा फैसला किया। अते किस तरह अब्राहम खुदा दे अगे तरला करता है, किस तरह वो बेनती करता है कि प्रभु इन्हां दे उत्ते दया कर, जेकर उत्थे 50 लोग ने तां कि तू इन्हां 50 भले बंदियां दे करके इन्हां सारियां नूं, इस सारे मुल्क नूं तू खत्म कर देवेंगा, तां किस तरह उन्हां दी जो वार्तालाप हुंदी है उस दे बारे असी सुनांगे। उत्पत्ति पुस्तक उसका 18वां अध्याय असी उसकी 26 आयत नूं सारे ध्यान दे नाल सुनांगे। 18वां अध्याय उसकी 26 आयत। प्रभु ने कहा, जेकर सदूम विच 50 भले लोग मैनू मिलणगे तां मैं उहनां दे कारण शहर नूं छड्ड देवांगा। देखो प्यारे भराओ ते भैणो, अब्राहम ने तरला किया कि जेकर 50 लोग उत्थे हन तां कि तू सारे इन्हां सदोम अते गमोरा नूं खत्म कर देवेंगा। तां प्रभु ने अब्राहम नूं की कहा, जेकर सदोम विच 50 भले लोग मैनूं मिलणगे तां मैं इस शहर नूं गर्क नहीं करांगा, खत्म नहीं करांगा। पता लगा कि उस शहर दे विच 50 लोग भी नहीं हैं। अब्राहम वार वार तरला करदा होया 10 दी गिणती दे उत्ते आ जांदा है। जदों असी 32 आयत नूं पढ़िए तां उत्थे अब्राहम अंत वार खुदा दे अगे तरला मारदा होया कहिंदा है, असी सुणांगे प्रभु दा वचन। अब्राहम अंतम वार फिर बोल उठ्या, हे प्रभु मैनू माफ करना, जेकर उत्थे 10 भले मनुख ही निकले। प्रभु ने कहा, मैं 10 भलियां दे कारण भी उस शहर नू नाश नहीं करांगा। 10 भले लोकां दे लई भी प्रभु ने कहा कि मैं शहर नू नाश नहीं करांगा। 10 लोग हैगे सी उत्थे? नहीं सी। इतों तक कि उस शहर दे विच 5 भले लोग भी नहीं सी। 5 भले लोग भी नहीं सी। किन्ने सी तुसी गिनती जानदे? सिर्फ 4। लूत अते उसकी पत्नी अते उस दियां 2 तीयां। अते खुदा ने लूत नूं आखिया, तू अपने परिवार नूं लैके शहर तो बाहर चलिया जा। देखो जिन्हां नूं प्रभु प्यार करता है, जिहड़े उहदे अगे दुहाई दिंदे हन, जिहड़े उहदे वचन उच्चे वचन अनुसार जीवन गुजारदे हन, प्रभु उहनां नूं बचा लैंदा है। वड्डियां वड्डियां आफतां तों बचा लैंदा है, वड्डियां वड्डियां बीमारियां तो बचा लैंदा है। जिस तरह प्रभु ने नूह नूं बचा लिया, सारी दुनिया खत्म कर दिती, लेकिन उस भले मनुख नूं खुदा ने बचा लिया। मूसा दे राही इसराइली कौम नूं बचा लिया, जो गुलाम बनी सी, उजाड़ बियाबान दे विच उजड़ रही सी, उस नूं खुदा ने बचा लिया। एलिया दे द्वारा खुदा ने अपनी शक्ति लोकां दे उत्ते जाहिर कीती अते लोकां ने खुदा दी शक्ति दे उत्ते विश्वास कीता। एलिया दी दुआ दे द्वारा
हिजकिया की प्रार्थना के द्वारा खुदा ने उदे उत्ते भी दया की उसनों 15 साल उदी जिंदगी दे विच होर जोड़ दित्ते। ते अज अब्राहम अपने लोगों के लिए अपने भांजे के पिंड के लोगों के लिए दुहाई दे रहा है, लेकिन दुहाई का कोई फायदा नहीं सी क्योंकि उस शहर दे विच कोई भी भला व्यक्ति नहीं सी। हाँ प्यारे, वचन दे विच असी पढ़ते हाँ, जोएल नबी की पुस्तक दे विच असी पढ़ते हाँ। जिन्हां दे कोल बाइबल है खोलो, जोएल नबी दूसरे अध्याय की 12-13 आयत नूं असी सारे सुनांगे। जोएल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय उसकी 12-13 आयत नूं असी सुनांगे। प्रभु कहिंदा है, तुसी इस समय भी सच्चे दिल नाल अपने पापां नूं स्वीकार करदे होए वर्त रख के रोंदे होए मेरे कोल वापस आ सकदे हो। तुहाडे टुटे दिलां तों तुहाडा दुख प्रगट होवे, केवल पाटे कपड़े पा लेना काफ़ी नहीं है। तुसी प्रभु अपने परमेश्वर कोल मुड़ आवो, वह बहुत दयालु अते कृपालु है, वह धीरजवान अते अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है, वह हमेशा माफ करने लई तैयार रहिंदा है ना कि सजा देने दे लई। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਚਨ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੇਠ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਦੇਖੋ, ਯੋਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਨਾ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 7
ऐत तो लैके नौवीं ऐत तक असीं प्रभु दा वचन सुणांगे। उसने यह कह के ढंडोरा पिटवाया, यह राजा अते उस दे शाही अधिकारियां दा हुकम है कि कोई मनुख भी किसी चीज़ दा स्वाद तक ना चखे, इत्थों तक कि किसी पशु जां बल्द जां भेड़ तक नूं चारा ना पाया जावे अते ना ही पानी पिलाया जावे। हर मनुख अते पशु टाट पहने सब मिल के परमेश्वर अगे पूरे जोर नाल प्रार्थना करन। हर कोई अपने अपने बुरे काम वलों मुँह मोड़े अते हर तरह दे हिस्सा तो अपना हथ रोके। हो सकता है कि परमेश्वर अपना फैसला बदल देवे अते अपने भड़के गुस्से नू खत्म कर देवे कि असी नाश होण तो बच जाइए। प्यारे देखो, एक भले मनुख दी दुहाई जदों आम जनता तक पहुंची तां उत्थों दे राजे ने की फरमान जारी कीता। उसने यह कह के ढंडोरा पिटवाया, की कहा सीगा कि कोई मनुख किसे चीज का स्वाद ना चखे, मतलब कि उन्होंने रोजा रखिया। किन्ने रोजा रखिया? सिर्फ लोगों ने ही नहीं जानवरों तक ने। फिर उसने कहा कि मनुख अते पशु अपने उत्ते टाट पहन लैन। टाट का मतलब शॉल लेना नहीं है, या मलमल के कपड़े उत्ते पा लेना नहीं है। टाट का मतलब है जिहड़ा साडे शरीर नूं चुभदा है, जिहदे द्वारा सानूं दुख लगदा है, वह टाट पा के बैठ जाना, जानवर भी अते इंसान भी। अगे लिखिया है कि परमेश्वर अगे पूरे जोर दे नाल प्रार्थना करन। किदां प्रार्थना करनी है? पूरे जोर दे नाल। ये नहीं है कि 10 मिनट प्रार्थना कर ली तो फिर जाके रोटी पानी खान चले गए। इस तरह की प्रार्थना करने लिए नहीं कहा है। वचन दे विच लिखिया है कि उन्होंने स्वाद नहीं चखिया, ना रोटी का ना पानी का। पूरा टाइम प्रार्थना करते रहे ताकि प्रभु का जो एक कहर निनवे शहर के उत्ते आने वाला है वह टल जाए। प्रार्थना विच लगे रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे। अते प्यारियो, इसका नतीजा की निकलिया? तुहानू पता है कि नतीजा निकलिया? असी सुनांगे 10वीं आयत, जदों खुदा ने निनवे शहर के सारे लोगों जानवरों नू लगातार प्रार्थना करते हुए बिना भोजन दे रोजा रख के दुआवां करते हुए सुनिया, तो फिर प्रभु ने की किया? 10वीं आयत नू असी सुनांगे। जदों परमेश्वर ने यह सब कुछ हुंदा देखिया कि उन्होंने अपने बुरे काम छड़ दिते हन, इसलिए उसने भी अपना फैसला बदल दिता अते उन्हां नाल ओह बुरा वर्ताव ना किया जिसके करन ले उसने फैसला किया सी। हुण फैसले की गल आ गई। जुल नबी दे दी पुस्तक दे विच असीं सुनिया सी 13वीं आयत दे विच कि प्रभु जिस चीज़ का फैसला करता है उसनू पूरा करता है, लेकिन इत्थे जदों लोकां ने अपने जीवन नू बदल लिया, प्रार्थना विच आ गए, टाट पा ले, रोजा रख के दुआवां शुरू कीतियां, अपने जीवन नू बदल लिया, ते खुदा ने भी देखो उन्हां दे उत्ते दया दिखाई, अपने फैसले नू बदल दिता। लेकिन दूजे पासे जदों अब्राहम ने दुहाई दित्ती सी, उत्थे खुदा ने अपना फैसला नहीं बदलिया, क्योंकि लोग बदलन दे लई तैयार नहीं सी। लोगों ने अपना जीवन नहीं बदलिया, पाप दे विच ढीठ बने रहे, अते खुदा ने भी फिर उस शहर नू सदोम अते गमोरा नू स्वर्ग दे तों जो गंधक की बारिश सी उस दे नाल उन्हां दोहां शहरां नू लागले शहरां नू जिथे भी पाप सी उत्थे सारियां नू गर्क कर दिता। लेकिन इत्थे नीनवे शहर दे विच भी पाप सी, लेकिन खुदा ने इत्थे दया दिखाई, क्योंकि खुदा दयालु है, कृपालु है, माफ करता है। ते प्यारियो, हुण ये पुराने ऐतनामे दे विच असी गल्लां सुणियां, हुण असी
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸਦਾ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਐਤ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਖੋ, ਹੈ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇਕਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲਵੇ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰ ਧਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੰਨਾ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੰਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੂਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈ ਗਏ? ਕੀੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ
दया कर दे, मेरे पापा ते दया कर, मेरे परिवार के पापा ते दया कर, मेरे बजुर्गों द्वारा किए हुए पापा ते दया करके जो भी साढ़े परिवार के बीमारी है या इस दुनिया के महामारी आई है ये प्रभु जी उस दूर कर दे। लेकिन असी आप दूजे बंदे नू माफ करन दे लई तैयार नहीं। मेरा भरा जिहड़ा मेरे लागे घर दे रहिंदा है उस दे नाल मैं समझौता करन दे लई उस नू माफ करन दे लई मैं तैयार नहीं हाँ। अपने बजुर्ग मापिया नू माफ करन दे लई तैयार नहीं हाँ। अपने गुआंढियां नू माफ करन दे लई तैयार नहीं हाँ। माफी तद मिलनी है जदों असी एक दूजे नू माफ करांगे। हाँ प्यारियो अगे लिखिया है कि जो भी साडा कर्जदार है उसनू भी माफी दिओ, उहदा भी करजा माफ करो। जदों असी किसी गरीब नू दिंदे हाँ प्रभु सानू उस तो लोड़ तो वध देवेगा। यह प्रार्थना प्रभु ने अपने चेलियां नू सिखाई सी। प्रभु ने सिखाई नहीं, प्रभु ने खुद प्रार्थना कीती। प्रभु ने प्रार्थना कीती असी सुनांगे। प्रभु ने सब तो पहला सानू पता होना चाहिए है कि कित्थे कित्थे प्रभु ने प्रार्थना कीती, कि प्रभु ने अपनी पूरी जिंदगी प्रार्थना दे विच गुजारी। जदों भी मौका मिलना प्रभु ने प्रार्थना करना। सुनांगे असी मरकज़ दी अंजील पहला अध्याय उहदी 35 आयत। अमृत वेले सूरज निकलन तो पहला ही येसु उठे अते एकांत विच चले गए, उथे ओ प्रार्थना करन लगे। हाँ देखो प्रभु ने कदों दुआ की थी, कहते कि सूरज निकलन तो पहला ही प्रभु कित्थे चले गए, उजाड़ थां ते जिथे कोई रौला नहीं है, जिथे कोई दुनिया नहीं रहती है, अते उथे जाके प्रभु ने की थी सूरज ऐन अद चाया हुंदा उदों असी चादरां मूंह तो लाने या जदों कोई बीबी आके ठाउंदी है कि उठ जा हुण ते हुण कुछ कर कुर लै, फिर भी असी दुआ नहीं करते हैं। फिर भी की करते असी सीधा चाह दे गिलास वल। प्यारियो वचन दे विच असी सुनते हाँ लिखिया है कि प्रभु येसु एकांत थां दे विच प्रार्थना करन दे लई गए। इन्हां दिनां दे विच असी अपने परिवार दे विच जदों एकांत हो गए हाँ, एकांत घर हुण एकांत घर बनाए गए ने जिथे कि जिहड़े ये महामारी दे नाल पीड़ित उहनां नूं रखिया जांदा है, क्वारंटाइन किया जाता उन्होंने एकांत थां रखा जाता है। तो प्रभु येसु मसीह खुद एकांत थां ते जांदे सी कादे वास्ते, प्रार्थना करन दे लई। हुण असी जदों घरां दे विच हाँ साडा किसी दे नाल मेल जोल नहीं, असी अपने घरां दे विच बह के दुआ करिए, वचन पढ़िए ताकि प्रभु की दया साडे परिवारां दे उत्ते आ जाए। अगली आयत पढ़िओ ब्रदर जी, अगला हवाला की है जो लिखा है वह असी सुणांगे। इस दे पिछो येसु एक दिन प्रार्थना करन दे लई पहाड़ उत्ते गए। हाँ ओह पूरी रात परमेश्वर अगे प्रार्थना करदे रहे। देखो लूका दी अंजील 6वां अध्याय 12वीं आयत दे विच असीं पढ़दे हाँ कि प्रभु एक रात पहाड़ उत्ते चढ़ गए। कादे वास्ते पहाड़ उत्ते चढ़ गए? प्रार्थना करन दे लई। वो अपने चेलियां नू ये सिखाउणा चाहुंदे सी, उन्हां नू सिख्या देना चाहुंदे सी कि पहला मैं खुद करके तुहानू दिखा रहा हाँ, मैं तुहानू प्रार्थना करके दिखा रहा हाँ, हुण तुसीं भी इस तरह ही प्रार्थना करनी है। देखो पहाड़ उत्ते चढ़ गए ते पूरी रात प्रार्थना करते रहे। मान लो कि हुण सानू कहा जावे कि तुसीं पूरी रात जागना है, प्रार्थना करनी है, ते साडा की हाल होएगा? की हाल होएगा प्यारे भरा भैनों? अद्धे एक घंटे बाद असी बासियां
ते अद्धे घंटे दे बाद असी सौना, साडा सिर अपने आप ही थले नू चल जाना है। कहण तो भाव है कि प्रार्थना दे लई साडा जिहड़ा दिल है, साडा जिहड़ा मन है, वह तैयार नहीं, उत्थे लगदा नहीं है। ते उही जे तुसी व्हाट्सएप दे उत्ते पूरा दिन भी बिताउणा है, उहदे उत्ते असी भावें रोटी भी ना खाइए पर उत्थे साडियां उंगलां चलदियां रहिंदियां ने। जेकर कोई फिल्म लगी है घर दे विच, टैलीविजन है, ते उत्थे भी डिश टीवी लगा है वक्रे वक्रे चैनल ते, एक फिल्म खत्म होई ते चलो जी दूजा बटन दबिया, उत्थे दूजी फिल्म ला ली, उत्थे साडियां अखां भी अहीं चमकदे नहीं आ। लेकिन जदों भी दुआ दी वारी आ गई उदों की हो जाएगा, सानू झट ही नींद आ जाती है। रोजरी पढ़न दे लई असीं जदों शुरू करते हाँ नाल ही वड्डियां वड्डियां बासियां, प्यारिओ इत्थे प्रभु साडे तों मंग करदा है कि असीं इन्हां दिनां दे विच प्रार्थनावां करिए, ज़्यादा तो ज़्यादा समा प्रार्थना दे विच गुजारीए। ते प्यारिओ जदों असीं ईमानदारी दे नाल प्रार्थना करांगे तां प्रभु दुआ दा उत्तर जरूर देवेगा। जेकर प्रभु हिजकिया राजा दी उम्र वधा सकदा है तां ओह प्रभु साडे जीवन विच वी, साडी उम्र दे विच वी वाधा कर सकदा है, साडे परिवार नूं वी पवित्र कर सकदा है। हुण तुसीं बहुत सारे संत अते संतनियां दे जीवन दे विचों वी कई कहानियां या उन्होंने जीवन के कई मिसाल भी पढ़िया हो। प्यारे भराओ ते भैनो, छोटी जी मिसाल देनी चाहता हाँ कि संत जॉन वियानी जो फ्रांस के आर्स पिंड दे विच एक पुरोहित सी, वह पिंड के लोग इन्ने ज़्यादा ढीठ हो गए सी, खुदा तो दूर हो गए सी, गिरजा भी पिंड दे विच सी, उत्थे गिरजे नहीं जाते, दुआ नहीं करते, घरां दे विच दुआ नहीं करते सी। ते संत जॉन वियानी ने उस गिरजे दे विच जाके प्रार्थना करनी शुरू की, पाक यूकरिस्ट दे विच हाजिर प्रभु यीशु मसीह दे अगे दुहाई देनी शुरू दित्ती, पाक यूकरिस्ट विच हाजिर प्रभु यीशु मसीह दे अगे बेनतियां करनी शुरू कीतियां कि हे प्रभु ये पिंड दे लोकां नूं बदल दिओ। अपने हाथ फैला के उसने दुआवां करनियां शुरू कर दित्तियां। ते प्यारिओ लोकी जदों फादर जॉन वियानी नूं, संत जॉन वियानी नूं पाक यूकरिस्ट दे अग्गे हर रोज़ गिरजे दे विच बैठे हुए प्रार्थना करदे देखदे सी अते लागों दी लंघदे सी, पांच छे दिन ते लंघे, लेकिन हौली हौली जिहड़े कई सालां तों गिरजे तों मूँह मोड़ के लंघ जांदे सी, जदों इस पुरोहित दीआं दुआवां अते उसनू पाक यूकरिस्ट दे सामने गोडियां टेकियां वेखते वो खुद भी अंदर आने शुरू हो गए। ते हौली हौली प्यारियो वो आर्स पिंड पूरा गिरजे दे विच आना शुरू हो गया, विश्वासी बन गए। प्रार्थना दे विच शक्ति है, प्रार्थना जीवन बदल दिंदी है, प्रार्थना सानू खुदा दे नज़दीक लियांदी है, सानू खुदा दे नाल एक बाप दे वांग गलबात करन दे लई शक्ति प्रदान करदी है। प्यारियो अब्राहम ने खुदा दे नाल किद्दां गल्लां कीतियां, जिस तरह एक दोस्त दे नाल असीं गल्लां करदे हां, जिद्दां असीं अपने दोस्त नाल गल्लां करदे हाँ उस तरह अब्राहम ने गल्लां कीतियां, ओ यार प्रभु जी ओ छड्डोगा जे 50 बंदे आ ते सारा पिंड नाश कर देना, मेहर करो। इस तरह उसने एक दोस्त दे वांग खुदा दे नाल गल्लां कीतियां। ते प्रार्थना है ही असल विच इहो कि असी खुदा दे नाल एक बाप दे वांग, एक मित्र दे वांग, एक भरा दे वांग, एक बाप दे वांग गल्लां करिए। ते जदों असी एक गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ते प्यारे साडे जीवन बदल जाणगे, फिर जिस दे लई भी तुसी दुआ करो कि उहदा जीवन भी बदल जाएगा। तुसी सारिया ने
संत अगस्तीन दे बारे ते सुनिया है, सुनिया सुनिया है, बहुत बारी तुसी सुनिया होवेगा। हुण इह संत अगस्तीन जिसका जीवन पाप दे विच नाश हो रहा सी, नशे करता सी, गवारपुना सी, विचार करता सी, ते उसकी मां मोनिका उसके मन बदलाव के लिए लगातार दुआवां करती सी। प्यारियो किन्ने सालों तक अपने बेटे दे मन बदलाव के लिए प्रार्थना करती करनी जारी रखी उसने, ते आखिर विच प्रभु ने उस मां की पुकार नूं सुन लिया। उसके पुत्र अगस्तीन नूं बदल दिता प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना दे विच शक्ति है, प्रार्थना बंदे नूं बदल दिंदी है। संत अगस्तीन का जीवन बदल गया। अगस्तीन ने बपतिस्मा लिया, पुरोहित बनिया, पुरोहित बनने के बाद वो बिशप बनिया, बिशप बनने के बाद वो कलीसिया का एक वड्डा विद्वान बनिया, जिसने बहुत सारिया किताबां लिखिया, जिसने अपने जीवन के उत्ते ही पापा वाले जीवन के उत्ते भी एक किताब लिख छड़ी जिसका नाम से इतराफ द कन्फेशंस। हाँ प्यारियो, प्रार्थना जीवन बदल दिंदी है। असी भी प्रभु यीशु मसीह दे वांग सवेरे उठिए, एकांत विच शांत होकर प्रार्थना करिए, जिस तरह उसके दास अते दासियां ने, संत अते संतनियां ने प्रार्थना वाला जीवन गुजारिया, असी भी संत अते संतनिया दे वांग प्रार्थना विच जीवन गुजारीए, परिवारां दे विच दुआ करिए, रोजरी पढ़िए, रोजरी माला का जाप करिए। शैतान जेकर डरदा है तो उस व्यक्ति तो डरदा है जो प्रार्थना करता है, उसनू पता है कि खुदा इसके नज़दीक है, तो जिथे प्रार्थना नहीं है उत्थे शैतान का वास भी है, शैतान लागे लागे रहिंदा है, चक्करां च वो परिवार के जीवन चक्करां विच पाउण दे लई तैयार रहिंदा है। इस करके इन्हां दिनां दे विच असीं खास प्रार्थना करिए। कल पाक वीरवार है, प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन पाक यूकरिस्ट की स्थापना की थी। इस दिन प्रभु ने प्रभुताई की स्थापना की थी। इस दिन प्रभु ने नवी आज्ञा दिती। इन्हां दिहाड़ियां नूं शुक्रवार नूं फिर असीं पाक शुक्रवार का दिहाड़ा मनाउणा है, फिर प्रभु यीशु मसीह दे जी उठण दे दिहाड़े नूं असीं पासका दे भेद नूं मनाउणा है। उस दे लई हुण असीं प्रार्थना दे विच समां गुजारीए, ज्यादा हसीए खेडिए ना। अजकल पता लगा है कि कई वेले हैगे ने हुण लूडो खेडते रहिंदे ने, कई इन्हां दिनां दे विच पबजी, बहुत सारिया खेडां खेडते रहिंदे ने, ताश खेडते रहिंदे ने, लेकिन वचन पढ़न दे लई साढ़े को टाइम नहीं है। प्यारियो, जिस तरह ये महामारी तद खत्म होनी है जदों हर कोई प्रार्थना करेगा, ये महामारी प्रभु जरूर दूर करेगा जदों असी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। असी भी निन्नवे शहर के लोगों के वांग प्रार्थना करनी शुरू कर दईए, हो सके तो रोजा रखिए, परहेज करिए, गाली गलोज तो परहेज करिए, वट्सएप तो परहेज करिए, प्रार्थना दे विच समा गुजारीए, वचन पढ़ने विच समा गुजारीए, ताकि प्रभु दया कर दे, नहीं तो असी इदा ही घर दे विच तड़े रहांगे, ताले लगे रहने ने, तालाबंदी जारी रहेगी। जदों प्रार्थना असी करनी शुरू कर दिती तो ये सारे बंधन जड़े ने शैतान दे, बीमारी दे, ये सारे टुट जाएंगे। इस करके प्यारे दोस्तों, प्यारे भराओ ते भैनों, असी प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना दे विच असी ज़्यादा तो ज़्यादा समा गुजारीए, क्योंकि प्रार्थना दे विच शक्ति है, प्रार्थना सानू मजबूती दिंदी है, प्रार्थना सानू दुख सहन की शक्ति दिंदी है, प्रार्थना सानू हर बीमारी तो आज़ाद करती है। आओ असी एक गीत गाइए ते प्रभु दी वडियाई करिए।
बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, करीब है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, सारे यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम नाम यीशु नाम, क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया धाम, सारा चुकाया धाम, मिलके मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, ओ नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ कुर्बान, यीशु हुआ कुर्बान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो यीशु नाम 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 यीशु नाम, 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 हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है पापी नदा, हम है पापी नदा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम नाम